जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के तीस दिनों में यूजीसी नेट तैयारी के क्लासेस में तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं तीस दिनों में कैसे यूजीसी नेट की तैयारी करें और यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं और कई सारी क्लासेस हमने अटेंड भी कर ली हैं अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं वहां पे तीस दिनों में यूजीसी नेट जी की तैयारी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे जरूर से जरूर देखें क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट टाइम के लिए ही वो वीडियो बनाई जा रही है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी और राजभाषा के संबंध में महत्वपूर्ण कथन तो यहाँ पे अगर कथन की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे जो कथन है वो महात्मा गांधी जी का है और क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं ये कथन है महात्मा गांधी जी का अगर स्वराज अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निसंदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी लेकिन अगर स्वराज करोड़ों भूखे मरने वालों निरक्षरों दलितों और अत्यजों का हो और उन सब के लिए होने वाला हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है ये किसका कथन है महात्मा गांधी जी का मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब एक सब भारतीय एक भाषा मतलब हिंदी समझने और बोलने लग जाए ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का कथन है फिर है कि हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है ये कथन है केशव चंद्र सेन का जो कि ब्रह्म समाज के हैं फिर है कि अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है हिंदी को अगर भारत की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो देश में एकता स्थापित करने का काम सहज और शीघ्र संपन्न हो सकता है ये केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के हैं इनका कथन है फिर है कि इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है ये कथन है राजा राम मोहन राय इसके बाद है अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में जानकर हम प्रांतीय भेदभाव नष्ट कर सकते हैं ये कथन है महायोगी अरविंद की फिर है हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से लिया जाएगा ये नेता सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर और कथन है यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं मिल सकती ये कथन भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है फिर है कि हिंदी की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिं, हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिख पड़ती है ये विजय कथन है फिर है हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो एक के बंधन संस्थापन करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं ये बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है फिर है दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है इसलिए उसी परंपरा में आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने लायक है ये इस निज लिंगप्पा का कथन है फिर है कि हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने के लिए महात्मा जी ने हमसे आग्रह किया है वह हिंदी है रविंद्रनाथ टैगोर का ये कथन है भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए ये कथन है एनी बेसेंट का थियोसिफिकल सोसाइटी के संस्थापक फिर है कि प्रजातंत्र देश में अधिकतम जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा ही कार्य कर सकती है हिंदी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है ये कथन है अनंत शैनम आयंगर का यदि दक्षिण भारतीय क्रियात्मक रूप से पूरे देश के साथ एक सूत्र में बंध कर रहना चाहते हैं और अखिल भारतीय मामलों में तथा तत्संबंधी निर्णयों के प्रभाव से अपने को दूर नहीं रखना चाहते हैं तो उन्हें हिंदी पढ़ना जरूरी है ये सी राजगोपालाचारी का कथन है फिर है कि दक्षिण भारतीयों को पूरे भारत में सरकारी तथा व्यावसायिक नौकरियां पाने के लिए भी हिंदी बोलने समझने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होगा ये सी राजगोपालाचारी का कथन है फिर है कि हिंदी समस्त आर्यावर्त की भाषा है यद्यपि मैं बंगाली हूँ तथापि इस वृद्धावस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ हिंदी में वार्तालाप कर सकूँ ये कथन है न्यायमूर्ति शारदाचरण मित्र का फिर है कि भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा भाषियों ने हिंदी के विकास में योगदान दिया है वह किसी विशिष्ट वर्ग प्रदेश या समुदाय की भाषा ना होकर भारतीय जनता की भाषा है ये फादर कामिल बुलके का कथन है हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपन्न भाषा है संपर्क भाषा है वर्ण बोलने और समझने वालों की संख्या की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा है यह कथन भी फादर कामिल बुलगे का है राष्ट्र के गठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है फिर है कि हमारी देवनागरी इस देश की ही नहीं समस्त संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है यह सेठ गोविंद दास का कथन है फिर है कि चाहे व्यवहारिक दृष्टि सैद्धांतिक दृष्टि या राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए हिंदी का कोई दूसरा प्रतिद्वंद्वी संभव नहीं है किसी दक्षिण भारतीय ऐसी व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानना चाहिए जिसने हिंदी में कोई लिखित या मौखिक परीक्षा पास ना की हो ये सर टी विजय राघवाचार्य का कथन है मैं हिंदी के प्रचार राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ मैं चाहता हूं कि यह भाषा ऐसी हो जिसमें हमारे विचार आसानी से साफ साफ पूर्वक व्यक्त तो हो सके राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे केवल एक जगह के ही लोग ना समझें बल्कि उसे देश के सभी प्रांतों में सुगमता से पहुंचा सकें ये कथन है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन का इन्हें हिंदी का प्रहरी कहा गया है हिंदी का प्रहरी किसे कहा गया है राजश्री राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है आपको मालूम है कि इस राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की सख्त ज़रूरत है हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है इसलिए कांग्रेस ने उसे राष्ट्रभाषा मान लिया है ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में ये कथन भी जवाहरलाल नेहरू जी का है हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है हिंदी वा धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा यह डॉक्टर हुसैन का कथन है हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है। है। है गिरी का कथन है। फिर है कि हिंदी किसी भी भाषा का अहित नहीं करती अपितु वह तो सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास एवं समृद्धि में सहयोग देकर समन्वय का मार्ग खोलती है यह कथन ज्ञानी जैल सिंह का है हिंदी का स्वभाव प्रेम एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत है और यही उसकी विशेषता है ज्ञानी जैल सिंह का कथन है फिर है कि ये सभी भाषाएं भारत की सांस्कृतिक संपत्ति की समान उत्तराधिकारी हैं ये भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं और इनमें से हिंदी भारत की राष्ट्रीय संपर्क भाषा क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है ये कथन है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कथन है फिर है कि हिंदी को हिंदी मैं सॉरी मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिससे सामूहिक मन क्षेत्ररति से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र संगठन ये सुमित्रानंद की पंक्ति है लोकायतन से ली गई हैं फिर है कि दक्षिण भारत में गांधी जी और उनके अनुयायियों सहयोगियों ने जितना हिंदी प्रचार किया उतना और किसी नेता ने नहीं किया राजनीतिक पार्टी या सांस्कृतिक संस्था ने नहीं किया है ये कथन है राम विलास शर्मा जी का तो दोस्तों ये थे हमारी हिंदी और राष्ट्रभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और इन कथनों में से ही एक दो कथन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं तो एक बार इसको ज़रूर से ज़रूर देखें मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद